लोकसभा में पेश किया गया रेलवे संशोधन विधेयक, रेल मंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य रेलवे क्षेत्र में और अधिक दक्षता लाना। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आजीविका मिशन से जुड़ी 10 करोड़ से अधिक महिलाएं, अब तक 1 करोड़ 15 लाख महिलाएं बनी लखपति दीदी। भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस होंगे महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री, आज चुने गए विधायक दल के नेता कल लेंगे शपथ। बस्तर संभाग में कई जगहों पर आज सुबह महसूस किए गए भूकंप के झटके, अब तक किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की नहीं है खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं अंकित मिश्रा और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया गया है। विधेयक पेश करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इसका उद्देश्य रेलवे क्षेत्र में और अधिक दक्षता लाना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में भारतीय रेलवे में महत्वपूर्ण विकास और परिवर्तन हुए हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि 10 साल पहले रेलवे का बजट लगभग 29,000 करोड़ रुपये था और अब 2,52,000 करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में 44,000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण किया गया है। 5 के रेलवे बोर्ड कानून को 1989 के रेलवे कानून में एकीकृत करने के लिए बिल प्रस्तुत है माननीय अध्यक्ष जी। इस बिल के पास होने से रेलवे की एफिशिएंसी में, रेलवे के डेवलपमेंट में बहुत अच्छा अनुभव रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में रेलवे का बहुत डेवलपमेंट किया है, बहुत विकास किया है। जहाँ 10 साल पहले रेलवे का बजट मात्र 29,000 करोड़ के आसपास होता था, आज वो 2,52,000 करोड़ रुपए है। 60 वर्षों में जहां मात्र 21,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था, पिछले 10 वर्षों में 44,000 किलोमीटर रेलवे का विद्युतीकरण हुआ है। चर्चा में शामिल होते हुए कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने आशंका जताई कि यह विधेयक रेलवे क्षेत्र को निजीकरण के लिए खोल देगा। उन्होंने वंदे भारत ट्रेनों में महंगे किराए का मुद्दा भी उठाया। भारतीय जनता पार्टी के रवि किशन ने रेलवे की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से रेलवे की छवि में सुधार हुआ है। समाजवादी पार्टी के नीरज मौर्य ने भी विधेयक पर अपने विचार रखे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि नवीनतम प्रौद्योगिकी से रेल पटरियों को लगातार उन्नत किया जा रहा है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच का विकास पूरा हो गया है। उन्होंने बताया कि बीते 10 वर्षों के दौरान रेल पटरियों को और बेहतर करने का काम प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है। The tracks were designed for 70-80 kmph 10-15 years ago. Over last 10 years, most of the tracks have been upgraded significantly, and today more than 80% of the tracks in the Indian Railway network are basically operational at 100 kmph or 110 kmph. We are continuously upgrading to 130 kmph also, and some of the sections have been designated for 160 kmph. Multiple actions. एक अन्य पूरक प्रश्न में रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे का लक्ष्य प्रत्येक यात्री के लिए यात्रा में सब्सिडी देने का है। उन्होंने कहा कि सभी यात्री केंद्र द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सब्सिडी के दायरे में आते हैं। वहीं केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि वर्ष 2019 में सरकार के दूरसंचार कंपनी BSNL को दिए गए संरक्षण पैकेज से कंपनी घाटे से उभर कर लाभ में आ गई है। लोकसभा में आज उत्तर देते हुए श्री सिंधिया ने कहा है कि BSNL के 50,000 से अधिक कर्मचारियों की देखरेख सरकार की जिम्मेदारी है। इस बीच लोकसभा सचिवालय ने सांसदों से अनुरोध किया है कि वे सांसद भवन के गेट के सामने विरोध और धरना प्रदर्शन न करें। सचिवालय ने कहा है कि इस तरह के कृत्य सदन की बैठकों के दौरान सांसदों के संसद कक्षों में आने जाने में बाधा उत्पन्न करते हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हर गरीब व्यक्ति को पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने 2,95,00,000 मकान बनाने की मंजूरी दी है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों के में 2 करोड़ और मकान बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 38 लाख घर आवंटित किए गए हैं।
इसके लिए 10,600 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जारी की गई थी। उन्होंने महिला सशक्तिकरण की चर्चा करते हुए कहा कि आजीविका मिशन से 10 करोड़ से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं और अब तक 1,15,00,000 महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 1 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी है, हम 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक 1,15,274,000 दीदियां मतलब स्व सहायता समूह के माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, आजीविका मिशन के माध्यम से लखपति की श्रेणी में आ गई है। लखपति का मतलब है जिनकी आमदनी साल में 1,00,000 रुपया से ज्यादा हो जाए। श्री चौहान ने कहा कि पीएम जनमन योजना के तहत वर्ष 2024-25 के लिए विशेष रूप से आदिवासी परिवारों को 46,000 से अधिक आवास आवंटित किए गए हैं। आज नौसेना दिवस है। भारतीय नौसेना की भूमिका और उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1971 में आज ही के दिन ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान भारतीय नौसेना ने PNS खैबर सहित पाकिस्तान के 4 पोत डुबा दिए थे। इस अभियान में सैकड़ों पाकिस्तानी नौसेना कर्मी मारे गए थे। आइए करीब से जानते हैं नौसेना दिवस के महत्व, इतिहास और इसके बदलते स्वरूप को। नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को ऑपरेशन ट्राइडेंट की याद में मनाया जाता है। 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर सफल हमला किया था। इस हमले में पाकिस्तान के कई नौसैनिक संसाधनों को नष्ट कर दिया गया था। ऑपरेशन ट्राइडेंट में भारतीय नौसेना ने रणनीतिक कुशलता और अदम्य साहस का प्रदर्शन किया था। तब से नौसेना दिवस भारत की समुद्री शक्ति का प्रतीक बन गया। भारतीय नौसेना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण 7,500 किलोमीटर से अधिक तटरेखा की सुरक्षा करती है और हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी सतर्क उपस्थिति बनाए रखती है। साथ ही नौसेना मालाबार, मिलन और रिम ऑफ द पैसिफिक जैसे वैश्विक समुद्री अभियानों में भी भागीदारी करती है। नौसेना चक्रवात, बाढ़ और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत और बचाव अभियानों में मानवीय सहायता मुहैया कराती है। नौसेना के समुद्री डकैती विरोधी अभियानों को न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर भी सराहना मिल रही है। भारत को एक मजबूत समुद्री शक्ति बनाए रखने के लिए भारतीय नौसेना ने बीते वर्षों में आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण पर खासा जोर दिया है। भारतीय नौसेना ब्लू वाटर क्षमताओं को बढ़ाने, समुद्री निगरानी का विस्तार करने और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने पर भी विशेष ध्यान दे रही है। नौसेना ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए मेक इन इंडिया पहल के तहत भारतीय रक्षा उद्योगों के साथ साझेदारी की है। पिछले 5 वर्षों के दौरान नौसेना के आधुनिकीकरण बजट का 2/3 से अधिक हिस्सा स्वदेशी खरीद पर खर्च किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप घरेलू रक्षा इकोसिस्टम का त्वरित विकास भी संभव हुआ है। नौसेना दिवस के इस खास मौके पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ओपन शिप इवेंट्स, फ्लाई पास्ट और युद्धाभ्यास प्रदर्शनी जैसे आयोजन आम जनता को भारतीय नौसेना के शौर्य और तकनीकी क्षमता से परिचित कराते हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों, मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। वे कल मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और
गठबंधन के अन्य वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में तीसरी बार महायुति के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुंबई में आज भारतीय जनता पार्टी की कोर समिति की बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की उपस्थिति में उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। वित्त मंत्री और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री को भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। विधायक चंद्रकांत पाटिल और सुधीर मुनगंटीवार ने श्री फडणवीस के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका सभी नवनिर्वाचित विधायकों ने समर्थन किया। इस वर्ष अप्रैल से सितंबर के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 45% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से लाभान्वित होने वाले क्षेत्रों में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, दूरसंचार, ऑटोमोबाइल तथा फार्मास्यूटिकल शामिल है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से अर्थव्यवस्था में बेहतर प्रौद्योगिकी के साथ साथ अधिक निवेश और रोजगार सृजन होता है। वहीं वस्तु और सेवा कर GST का सकल संग्रह इस वर्ष नवंबर में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 8.5% बढ़कर 182,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। यह पिछले साल नवंबर में 168,000 करोड़ रुपये था। इस वर्ष नवंबर में केंद्रीय GST संग्रह 34,141 करोड़ रुपये और राज्य GST संग्रह 43,047 करोड़ रुपये रहा। एकीकृत GST संग्रह 91,828 करोड़ रुपये और उपकर 13,253 करोड़ रहा। अक्टूबर में सकल GST संग्रह 9% बढ़कर 1,87,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया था। GST संग्रह में यह बढ़ोतरी घरेलू बिक्री में वृद्धि और नियमों के बेहतर अनुपालन से हुई है। राज्य के दक्षिणी इलाके में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र तेलंगाना रहा है। ये झटके महाराष्ट्र तक महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटके बस्तर संभाग के कोंटा, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, जगदलपुर सहित कई अन्य जगहों पर महसूस किए गए हैं। हालांकि अभी तक किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। तेलंगाना में आज सुबह भूकंप के तेज झटके आए। ये झटके इतने तेज थे कि इसे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी महसूस किया गया। सुबह आए इन झटकों से लोग घबरा गए और अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक सुबह तेलंगाना के मुलुगु जिले में 5.3 तीव्रता का भूकंप आया। हैदराबाद में भी झटके महसूस किए गए। भूकंप आज सुबह करीब 7:30 बजे आया और इसका केंद्र जमीन से 40 किलोमीटर गहराई में था। लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन ने OTT प्लेटफॉर्म पर कदम रखते हुए वेब्स की शुरुआत की है। यह डिजिटल मीडिया OTT दर्शकों को संपूर्ण इन्फोटेनमेंट का सिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट, तो आज ही आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए। इस OTT प्लेटफॉर्म पर DD न्यूज छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार का भी सीधा प्रसारण देख सकते हैं। तो आज ही QR कोड स्कैन करके डाउनलोड करें वेब्स ऐप। और इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।